Moving on to the government's demonetization move now, upset with the opposition's continuous attack over demonetization, Prime Minister Modi hit back on Friday. PM Modi held rival parties responsible for disruption inside and outside the parliament. Also, he tried to put out a very clear message to the masses that despite the hardship, the government's move will be beneficial to the country. मैंने पहले दिन कहा है, 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूँ। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नॉर्मल हुआ है, फिर भी मैं कहता हूँ 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी, फिर धीरे 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 करके ठीक होगा। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी, अच्छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा, मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है। आपने देखा होगा टीवी पे बातें आती हैं कभी कभी कि किसी रिक्शा वाले को पूछते हैं, तुम ई बटवा जानते हो? सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनको तो इसमें हम जोड़े हैं। मान लीजिए देश में 40% लोग होंगे जो इसको हम पढ़े लिखे माने, जिनके हाथ में स्मार्टफोन मांगे, उनको भी इसमें ला दें तो जो गरीब रिक्शा वाला है, जो कैश से खर्चा करता है, उसमें रत्ती भर भी बेईमानी नहीं होती है भाई। सवाल उन लोगों का है जो जानते हैं तो भी नहीं, और इसलिए उनको इस रास्ते पर लाने के लिए इस डिजिटल मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। कभी कभार नासमझी में या स्वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। फॉर 65 ईयर्स nobody thought of bringing the money stashed away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gave an order for the appointment for the committee headed by the former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything and the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 26 मार्च 2014 की टिप्पणी कितनी गंभीर है। You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at Magic Bricks Now. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.